तो क्या हाल है यार। आई होप आप एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। सो यार पिछली वीडियो में नहीं देखी तो जाओ देख लो, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पहले इस वीडियो को देख लो, बाद में उस जाके वीडियो को देखो देख लेना। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐप के बारे में। अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं डीजे का या म्यूजिक का, ठीक है, सो आप म्यूजिक तो अपलोड नहीं कर सकते यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, आपको म्यूजिक को कन्वर्ट करके वीडियो में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऐप जो कि मैं बताने वाला हूँ इसी काम में आएगी। इस ऐप से आप म्यूजिक को वीडियो में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं और इसमें फोटोज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सो इससे आपकी काफ़ी वीडियो प्रोफेशनल बन जाएगी और काफ़ी अच्छी लगेगी गाइस, ठीक है। सो फुल रिव्यू मैं देने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। इस ऐप का नाम है एवी प्लेयर, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे यार इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो कर लो अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो ओके गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, ठीक है। सो ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके मैं नहीं बताने वाला। प्ले स्टोर पर जाएंगे आप सर्च करेंगे एवी प्लेयर तो ये आपको मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सो इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसे मैं ओपन करता हूँ। सो कुछ परमिशंस मांगेगा, आप अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये ओपन हो रहा है। सो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो शायद कुछ प्रॉब्लम करे, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर आप सी एरोस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेमोरीज में चले जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको जहाँ भी आपके फ़ोन में सॉन्ग्स हो जो कि वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले तो। सो यहाँ पे मैंने गया, ठीक है, नॉट कॉपीराइट साउंड्स मैं ले लेता हूँ कोई सा एक भी, क्योंकि यार कॉपीराइट तो यार आप समझ सकते हैं, ठीक है। NCS का मैं कॉपीराइट साउंड एक ले लेता हूँ। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो ये प्ले हो चुका है। सो यहाँ पर मैं साइड करता हूँ। सो ये कुछ इस तरह का ये प्ले हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे फोटो और बैक। सो ओके गाइस, ऊपर आपको पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस पे आपको जाना है, ठीक है। इमेजेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक इमेज मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्टोरेज खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपको बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो ऐड करनी हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो मैं पिक्सआर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे वीडियो का थंबनेल बना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये अभी मेरे बैकग्राउंड में ये लग चुका है, ठीक है गाइस। उसके बाद मुझे अभी फ्रंट में लगाना तो मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है। मैं बैक चला गया गाइस, ठीक है। सो मैं इस तरह से बैक आ गया। उसके बाद मुझे इस वाले फ़ोटो पे लगाना हुआ है, ठीक है। सो मैं फिर से पेंसिल के आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। सो ये ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो जितने में भी इमेजेस लिखा हुआ गाइस, ठीक है, उनमें आपको फ़ोटोज़ ऐड करनी है, पर आपको देखना है कि कौन से फ्रंट वाले में फर्स्ट, आप इसमें देख लीजिए सबसे फर्स्ट दूसरे नंबर पे इमेजेस लिखा है तो इस पर मैंने चेंज किया तो बैक वाला बैकग्राउंड का फ़ोटो चेंज हुआ, ठीक है। अब इस पर मैं चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो इसका लोगो का चेंज होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप कलर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप मत कीजिएगा छेड़खानी, ठीक है। जैसे ही वैसे ही आप कर लीजिएगा, करना चाहते तो कर लीजिए पहले, ठीक है। आप पहले इसको बैठ के आप सीख लीजिए बाद पहले, ठीक है, बाद में वीडियो एडिट कीजिएगा, ठीक है। सो इस पर मैंने इमेजेस पे क्लिक किया, फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं पिक पे गया, ठीक है। फिर से एक मैं यहाँ से पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये वाली मैंने पिक सेलेक्ट कर ली अपने यूट्यूब चैनल का लोगो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लग चुका है, तो मैं फिर से बैक चले जाता हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको रोटेट करके मैं दिखा दूँ रोटेट करने के बाद कैसा लगता है, ठीक है। ये मैंने रोटेट ऑन कर लिया गाइस, ठीक है। सो मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये वीडियो बन जाएगा गाइस, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल लगेगा, तो मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यार कैसा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ये मेरा वीडियो का म्यूज़िक का वीडियो बन चुका है। सो इसी तरह से आप भी म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी सारे टाइम प्लेट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसमें टाइम प्लेट्स कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। आप अलग से भी डाउनलोड करके टाइम प्लेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज़ ये वाला मुझे पसंद आया तो इस पर मैंने क्लिक किया, आप उसी तरह से जाके इसमें फ़ोटोज़
ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले करके दिखाया था, ठीक है। सो इस वीडियो में मुझे यार काफ़ी कट लगाने पड़ेंगे और बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही, उसको यार इग्नोर कर देना, ठीक है। सो किसी वीडियो में एक दिन बताऊंगा कि मैं इस तरह से वीडियोस क्यों बनाता हूं और बैकग्राउंड में मेरे नॉइज़ क्यों आती रहती है, ठीक है गाइस। सो आप देख इसी तरह से आप अपने म्यूज़िक को वीडियो में कन्वर्ट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेव कैसे करना, तो ये है प्रीमियम वर्जन, आपको इसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड का आइकन दिखेगा, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करने को नहीं मिलेंगी। इसकी कैपेसिटी, वीडियो क्वालिटी आपको लो हाई करने के ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इसको बाय करना पड़ेगा। सो सिंपल सा आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। सो यार ये म्यूज़िक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक म्यूज़िक बजता रहेगा, आपको स्टॉप नहीं करना है, तो ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पे आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं इजीली गाइस, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको यार ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को यार लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक